सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन, और आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस लीग डार्क अपोक्लिप्स वॉर फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये फिल्म रिलीज हुई है इंटरनेट पे, जो amazon.com पे आपको देखने को मिल जाएगी, अदर भी लिंक्स में आपको मिल जाएगी। अगर गूगल पे डालते हो जस्टिस लीग डार्क अपोक्लिप्स वॉर मूवी करके तो आपको मिल जाएगी। ये होम वीडियो है, यानी होम वीडियो रिलीज करते हैं DC जैसे उनके एनिमेटेड फिल्म है, उन्हीं में से ये एक फिल्म है जो कि बहुत बेहतरीन निकल के आती है। जिस तरह से DC की सारी एनिमेटेड फिल्में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हमेशा से वो लोग उनके एनिमेशन मूवीज़ में दिखाते ही आए हैं, तो यही उनमें से एक फिल्म है जस्टिस लीग डार्क अपोक्लिप्स वॉर। तो चलिए मिलके देखते हैं इसका रिव्यू, तो लेट्स बिगिन। जस्टिस लीग डार्क अपोक्लिप्स वॉर ये सीक्वल है जो कि 2017 में आई हुई फिल्म जस्टिस लीग डार्क थी, उसका ये पूरा सीक्वल रखा गया है। और जस्टिस लीग डार्क क्या चीज़ है वो आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा, और भी जितने सारे डीसी के एनिमेटेड फिल्में हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल है उसकी भी आपको एक एक लिस्ट यहाँ पे इस आई बटन पे मिल जाएगी। ओवरऑल बहुत सारे वीडियोस डीसी से रिलेटेड इस आई बटन पे आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, जाके एक एक करके आप देख सकते हो, उसका मजा उठा सकते हो। तो ये है सीक्वल 2017 में आई हुई जस्टिस लीग डार्क की फिल्म का सीक्वल, जस्टिस लीग डार्क अपोक्लिप्स वॉर। अब सिंपल सी बात है, ये अगर सीक्वल है तो इसके पहले वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिंक्ड है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इस वजह से आपको पहला पार्ट तो देखना ज़रूरी है, पहला पार्ट देखना बनता ही है। जिसकी लिंक शायद से मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अगर मुझे मिल गया ऑनलाइन तो मैं डाल दूंगा, वो मूवी जाके देख लेना, फिर इस मूवी को एंजॉय करना। तो अब बात करते हैं कि भाई डार्क साइड निकला है इस वर्ल्ड को तबाह करने के लिए, जो कि खुद का ही घर वेपन बना के लेके चल रहा है, जिसका नाम है अपोक्लिप्स। जी हाँ दोस्तों, उसने खुद का ही घर बना लिया है, जिस तरह से आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, उसने खुद का ही घर लेके निकल पड़ा है। दो बार उसने अर्थ पे अटैक भी किया था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, और साथ ही साथ पैराडीमोन्स की फौज भी उसके साथ है, ये वेपन भी है, पैराडीमोन्स की फौज भी है, तो इससे बहुत बड़ा वो बन जाता है। तो वो निकला है वर्ल्ड को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए, और यहाँ पे जस्टिस लीग को ये बात पता चलती है कि भाई उसने अटैक करने से पहले हम ही उसके ऊपर अगर काउंटर अटैक कर दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये काउंटर अटैक का जस्टिस लीग यहाँ पे प्लान बना रहे हैं। जस्टिस लीग के मेंबर में डार्क साइड के भी, जो जस्टिस लीग डार्क है उनके भी मेंबर जुड़े हैं, जैसे कि ज़ैटाना भी दिखती है हमें, और हमारे जॉन कॉन्स्टेंटाइन भी उनके साथ नज़र आता है, और सुपरमैन, बैटमैन, ये सारे लोग तो है ही, जैसे एक्वामैन भी है, मार्टिन मैन हंटर भी हमें दिखता है, वंडर वुमन भी है, शज़ाम भी है, ये सारे लोग, साइबोर, ये लोग तो है ही उनके साथ, और जस्टिस लीग डार्क के भी मेंबर उनके साथ है। तो ये तो हो गई भाई, वो काउंटर अटैक का प्लान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बट वहाँ पे डार्क साइड को पता चल जाता है कि ये लोग काउंटर अटैक मेरे पे करने वाले हैं, तो डार्क साइड पहले ही चौकन्ना हो जाता है। और जैसे ही ये पूरी की पूरी टीम मिलके वो अपोक्लिप्स पे हमला बोल देती है, तो वहाँ पे डार्क साइड को पता है, इस वजह से वो लोग वहाँ पे हार जाते हैं। हारते तो ऐसे हारते नहीं है, कुछ सुपर हीरोज मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डार्क बताया गया है, कुछ सुपर हीरोज मर जाते हैं, कुछ सुपर हीरोज़ को डार्क साइड अपने वश में कर लेता है, यानी अपने कब्जे में ले लेता है, जिस तरह से साइबोर और बैटमैन को भी वो अपने कब्जे में ले लेता है, अपने गुलाम बना के रखता है, अपने हिसाब से नचाता है। और रह गई बात सुपरमैन की, तो सुपरमैन की पावर्स ले लेता है क्रिप्टोनाइट उसके चेस्ट पे गोंद के, यानी उसके चेस्ट पे लगा के क्रिप्टोनाइट उसकी पूरी पावर्स छीन लेता है, और वही पावर्स वो उनके पैराडीमोन्स में बिल्ड कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सुपरमैन के पावर्स हैं वो सारे पावर्स लेके ये जो पैराडीमोन्स है इनके पास, उनके अंदर बिल्ड कर देता है, ऐसे बताया गया है। तो फिर 2 साल बाद अर्थ पे, यहाँ पे फिर 2 साल बाद की कहानी बताई गई है कि भाई 2 साल गुजर चुके हैं अभी अर्थ पे, अर्थ पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। यहाँ पे टीन टाइटन्स के जो मेंबर्स थे, जी हाँ दोस्तों, टीन टाइटन्स भी हमें इस फिल्म में नज़र आते हैं। टीन टाइटन्स के जो मेंबर थे वो हरा नहीं पाए, उनके जो पैराडीमोन्स की सेना थी उसके पीछे, यानी सामने फीके पड़ गए वो लोग। इसमें रेवन भी बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हुए दिखती है, रॉबिन भी दिखता है, और अदर टीन टाइटन्स के मेंबर्स तो दिखते ही है। टीन टाइटन्स के मेंबर मर चुके हैं, कुछ बचे हैं, और सुपरमैन और रेवन मिलके जॉन कॉन्स्टेंटाइन से मिलने जाते हैं कि भाई, जॉन कॉन्स्टेंटाइन से मदद लेने जाते हैं कि भाई तू हमें मदद कर कि डार्क साइड को हम लोग हरा पाए, और फिर से जितने भी लोग बचे हैं इस अर्थ पे और जितनी भी अर्थ सुरक्षित है वो रह जाए सुरक्षित, क्योंकि वहाँ पे तो डार्क साइड यह प्लान कर रहा है कि भाई ये पूरी पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय, यानी इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना है। तो जॉन कॉन्स्टेंटाइन से मदद मांगते हैं, तो फिर सुपरमैन और रेवन और जॉन कॉन्स्टेंटाइन ये लोग जाके कौन कौन मेंबर्स, कौन कौन सुपर हीरोज़ को ढूंढेंगे
और कौन कौन विलन्स इसमें शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें विलन्स भी बताए गए हैं, लेक्स लूथर भी है और सुसाइड स्क्वाड के भी मेंबर्स हमें बताए गए हैं, जैसे हार्ली क्विन है, किंग शार्क है, बूमरैंग है, कैप्टन बूमरैंग, वो भी हमें इस फिल्म में नजर आते हैं। तो जॉन कॉन्स्टेंटाइन राजी होता है या नहीं, वो किन किन को कौन कौन विलन्स है अर्थ पे जो इन डार्क साइड को हराने में मदद करते हैं हमारे सुपरमैन की, सुपरमैन की पावर्स कैसे क्या वापस आती है, रॉबिन की भूमिका क्या है इस फिल्म में, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और आखिरकार हमारा डार्क साइड हार भी मानता है या नहीं, ये भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डार्कस्टार की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पावर्स, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की पावर्स इसमें हमें दिखती है, थोड़ी बहुत ही दिखती है बट जितनी भी दिखती है वो बहुत बेहतरीन है। डार्क साइड बहुत ही ज़्यादा क्रूर बताया गया है, जिस तरह से डीसी कॉमिक्स में वो बताया गया है उसी तरह से इस फिल्म में भी हमें नज़र आता है। और ज़्यादातर मूवी को डार्क रखा गया है, डार्क टोन में, जिस तरह से हमारे डीसी की बाकी मूवीज डार्क रहती है उसी हिसाब से। तो यही है दोस्तों डीसी की एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम है जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी है तो जाके देख लो, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये फिल्म। स्पेशली जो सुपरमैन का क्रिप्टोनाइट वर्जन है, जो कि बताया गया है हमें कि उसके चेस्ट पे क्रिप्टोनाइट गोंदने के बाद वो कैसा दिखता है, वो भी ज़्यादा बेहतरीन है। और उसके बाद लेक्स लूथर और लुइस लेन की भी बहुत बेहतरीन भूमिका इस फिल्म में नज़र आती है, वो भी कैसे क्या मदद करते हैं, बैटमैन आखिरकार कैसे उस डार्क साइड से चंगुल से निकलता है, साइबॉर्ग का क्या रोल है, ये सारी डिटेल्स हमें इस फिल्म में नज़र आती है। ओवरऑल मैं इस फिल्म को रेट करूंगा आउट ऑफ 5 4.5 स्टार। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा पसंद आई मुझे फिल्म और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आई, मैंने कुछ रिव्यूज़ भी देखे हैं तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये फिल्म। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखी है जाके देख लो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ओवरऑल आपका ये मूवी एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मूवीज इन चैनल को, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।